ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ G20 समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 सितंबर को वो अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। सुरक्षा कारणों से अभी समय निश्चित नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुँचेंगे और लगभग 3 से 4 घंटे यहाँ पर बिता सकते हैं। और यही वजह है कि जो ज्वाइंट सीपी ईस्टर्न रेड छाया शर्मा थी, डीसीपी थी, उन लोगों ने बाकायदा यहाँ सुरक्षा का शुक्रवार को जायजा लिया, एक एक चीज़ों को खंगाला गया। सुरक्षा की बात करें तो ये मंदिर हमेशा सैनिटाइज रहता है और सुरक्षा यहाँ पर 3 लेयर में शुरुआत में होती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक राजस्थान पुलिस के कमांडोज होते हैं, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडोज होते हैं और दिल्ली पुलिस की जो पराक्रम पुलिस यूनिट और पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर सुरक्षा देती है। आप देख सकते हैं कि मंदिर की शुरुआत में ही बाकायदा ये पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के बाकायदा मुस्तैद रहते हैं। अंदर भी सुरक्षा का पूरा जायजा पुलिस की तरफ से लिया गया है और जब ये सुनिश्चित हो चुका है कि खतरा कोई नहीं है, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस ने ली, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब राष्ट्रपति सुनक यहाँ पर पहुंचेंगे 10 सितंबर को। सबसे पहले वो जो अक्षरधाम मंदिर है यहाँ के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उसके बाद यहाँ स्वामी नारायण मंदिर ले जाकर के उनकी पूजा अर्चना कराएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि इस मंदिर में पीछे की तरफ एक और मुख्य मंदिर है जहाँ पर जलाभिषेक होता है, तो वहाँ पर भी ऋषि सुनक जा करके जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा लेजर शो, वाटर शो, बोटिंग शो, लाइब्रेरी और एग्जीब्यूशन जो इलाका है यहाँ पर भी ऋषि सुनक जा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में वो फोटो भी लेंगे। बताया जा रहा है कि तमाम जो फोटोज़ हैं वो अपनी यादों के तहत वो ब्रिटेन भी लेकर के जाएंगे। तो सुरक्षा, ये वही मंदिर है अक्षरधाम जहाँ पर 10 सितंबर को उम्मीद की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री सुनक हैं वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचेंगे और इसीलिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी की गई है। लेकिन कई बार देखा गया है कि यहाँ पर कभी किसी राष्ट्र के अगर प्रतिनिधि आए हैं और इस मंदिर में आते हैं तो लोगों को ज़रूर दूर रखा जाता है, पूरी तरीके से उनको बैन नहीं किया जा सकता। तो सुरक्षा के लिहाज से ये कदम पुलिस क्या उठाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन जो मंदिर है उसकी भव्यता को देखते हुए अब ये जो अक्षरधाम का मंदिर है यहाँ फिलहाल 10 सितंबर को पहुँचेंगे सुबह प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ और इस पूरे मंदिर का बाकायदा वो दर्शन करेंगे, जायज़ा लेंगे और तमाम जो शोज़ यहाँ पर किए जाते हैं उन शोज़ का भी वो लुत्फ़ उठाएंगे, उसके साथ ही फोटोग्राफ खींचकर वो अपनी यादों के तहत उनको ब्रिटेन भी लेकर जाएंगे। इस मंदिर के तमाम लोग खासा उत्साही हैं, जो पुजारी हैं वो भी उत्साही हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे जो कि भारतीय मूल के हैं और इस मंदिर में दर्शन करेंगे। कैमरामैन राजू के साथ पुनीत शर्मा, TV9।